पद्म पुराण प्रमुख रूप से एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण को समझने से व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाता है। 18 पुराणों में पद्म पुराण का एक खास स्थान है। सबसे पहले आपको बता दें कि पद्म से मतलब है कमल के फूल से। ब्रह्मा जी श्रीहरि के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उनकी आज्ञा से सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न किया था, इसीलिए इसे पद्म पुराण की संज्ञा दी गई। इसमें भगवान विष्णु की संपूर्ण महिमा का बखान है। इसके अलावा इसमें श्री राम और श्री कृष्ण के रूपों और लीलाओं का अद्भुत वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, जो कि 5 खंडों में बटे हैं, जिसमें पहला खंड है सृष्टि खंड, दूसरा खंड भूमि खंड, तीसरा स्वर्ग खंड, चौथा पाताल खंड और 5वां उत्तराखंड। इस पुराण में पृथ्वी, आकाश और नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इस धरती पर 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, जिन्हें उदिभज, स्वेदज, अंडज और जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। पद्म पुराण में भारत के सभी पर्वतों और नदियों के बारे में भी विस्तृत संकलन है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान श्री राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास दर्ज है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन काल में हमारे देश का नाम जम्मू द्वीप था। पद्म पुराण के अनुसार श्राद्ध द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य गौवों के खुर से उड़ी हुई धूल को अपने सर पर धारण करता है, वो मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य गौ माता की सेवा करता है, उसे गौ माता अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। वह गौ भक्त मनुष्य पुत्र, धन, विद्या, सुख आदि जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब उसे प्राप्त हो जाती है। पद्म पुराण के अनुसार शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को एक साथ रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस पुराण के अनुसार दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, मणि, देव प्रतिमा, शंख, मोती, माणिक्य, हीरा, स्वर्ण, तुलसी, रुद्राक्ष, पुष्प माला, जपमाला, पुस्तक, यज्ञोपवीत, चंदन, यंत्र, फूल, कपूर, गोरोचन, इन वस्तुओं को भूमि पर रखने पर महान पाप लगता है।